चंद्रयान 3 के 22 सितंबर 2023 को उठने का इंतजार हर एक भारतीय कर रहा है। चंद्रयान 3 का रोवर प्रज्ञान 2 सितंबर से जबकि लैंडर विक्रम 4 सितंबर से चांद पर गहरी नींद में सो रहे हैं। हर एक भारतीय को उम्मीद है कि 22 सितंबर को जैसे ही चांद पर सुबह होगी, विक्रम और प्रज्ञान वापस उठेंगे और काम करने लगेंगे। जब रोवर और लैंडर को चांद पर सुलाया गया था, तब इसरो ने इसकी जानकारी ट्वीट कर दी थी और बताया था कि रोवर प्रज्ञान और लैंडर विक्रम को स्लीप मोड में डाल दिया गया है और हमें उम्मीद है कि 22 सितंबर को दोनों वापस उठेंगे और काम करने लगेंगे। आइए इस वीडियो में आपको समझाते हैं चंद्रयान का स्लीप मोड कैसे टूटेगा। चंद्रयान 3 तो चांद पर 23 अगस्त को पहुंचा था, तो फिर 10 दिन बाद ही चांद पर दोनों को क्यों सुला दिया गया? इसरो ने तो दोनों के लिए 14 दिन काम करने के लिए बोला था और इसरो को क्यों उम्मीद है कि चंद्रयान 3 22 सितंबर को चांद पर वापस काम करने लगेगा? इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे विज्ञान के आधार पर। तो चलिए जानते हैं आसान हिंदी भाषा में विस्तार से। जब चंद्रयान 3 के रोवर को 10 दिन बाद ही 2 सितंबर को इसरो द्वारा स्लीप मोड में डाल दिया गया था, तो आपके मन में भी सवाल आया होगा कि इसरो ने पहले तो बताया था कि हमारा चंद्रयान 3 14 दिन तक काम करेगा, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि रोवर प्रज्ञान को 10 दिन बाद ही सुलाना पड़ा? सिर्फ 10 दिन में रोवर प्रज्ञान को चांद पर सुलाने की सबसे बड़ी वजह है सूर्य की रोशनी। चांद पर सूर्य की रोशनी पृथ्वी जैसे नीचे से ऊपर की ओर नहीं बल्कि सामने की ओर से निकलती है, जैसा आप अभी वीडियो में देख पा रहे हैं। चांद पर सूरज पृथ्वी जैसे पूर्व से निकलकर पश्चिम में जाकर नहीं छुपता, यानी पृथ्वी पर सूरज सुबह सामने से निकलता है, दोपहर को हमारे सर के ऊपर आता है और अंत में शाम को हमारे पीछे चला जाता है। चांद पर ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। चांद पर सूरज सामने से निकलता है और सामने ही छिप जाता है। और अगर हम रोवर के डिजाइन को देखें तो रोवर में एक तरफ ही सोलर पैनल्स लगे हैं। उसके लिए सोलर पैनल्स पर लगातार धूप का गिरना आवश्यक है, क्योंकि उसी से रोवर प्रज्ञान काम करता है। और जब 2 सितंबर को रोवर प्रज्ञान की बैटरी फुल चार्ज थी, तो चांद पर सूर्य की रोशनी सामने से बेहद कम हो गई, जिसकी वजह से इसरो वैज्ञानिकों के द्वारा बाकी बैटरी को खर्च करना उचित नहीं समझा गया। इसलिए रोवर को चांद पर 4 दिन पहले ही सुला दिया गया। और आपको खुशखबरी दे दें कि 4 दिन जल्दी सुलाने के पीछे ही रोवर प्रज्ञान के 22 सितंबर को वापस से काम करने की वजह छुपी हुई है। जैसा हमने आपको बताया कि जब चंद्रयान 3 के रोवर को चांद पर सुलाया गया, तो रोवर की बैटरी फुल चार्ज थी। जैसा आपको पता है कि चंद्रयान 3 में चांद पर सर्दी झेलने के लिए कोई हीटर नहीं लगाया गया है और बिना हीटर के चांद पर -253 से अधिक सर्दी को बर्दाश्त करना असंभव है। लेकिन इसरो वैज्ञानिकों ने इसके पीछे विज्ञान का एक फार्मूला अपनाया है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे। इसरो वैज्ञानिकों के द्वारा रोवर की बैटरी को इस प्रकार डिजाइन किया गया है कि जब रोवर स्लीप मोड में हो, तो इस बैटरी का फुल चार्ज रोवर के पूरे सिस्टम को गर्म रखे। यानी अभी हमारे रोवर की बैटरी ही रोवर के लिए हीटर का काम कर रही है। नासा की एक स्टडी के आधार पर समझें, तो अगर हम एक बैटरी को बेहद कम टेम्परेचर में ले जाएं, तो उसकी सेहत पर वापस से गर्म टेम्परेचर में आने पर कोई असर नहीं पड़ता। और इसरो वैज्ञानिकों ने भी चंद्रयान की बैटरी पर ऐसा ही कोई फॉर्मूला अपनाया होगा, जिसके आधार पर इसरो वैज्ञानिक इतने विश्वास से कह रहे हैं
कि चांद पर जब सुबह होगी तो हमारा रोवर वापस से काम करने लगेगा। ऐसी ही बैटरी का प्रयोग लैंडर विक्रम में भी किया गया है, लेकिन लैंडर विक्रम में तीन तरफ सोलर पैनल्स लगे थे, इस वजह से उसको रोवर प्रज्ञान के दो दिन बाद चांद पर 4 सितंबर को सुलाया गया, क्योंकि उसको 4 सितंबर तक सूर्य की रोशनी पर्याप्त मिल गई थी। रोवर प्रज्ञान और लैंडर विक्रम के यंत्र गुप्त अंधेरे में -200 डिग्री तापमान पर हैं, तो ऐसे में इनकी सुरक्षा एक बड़ा सवाल था। इसलिए इन्हें इस तरह से प्रोग्राम किया गया कि जब वहां सूरज की रोशनी ना हो तो उपकरणों को कोई नुकसान ना हो, वे एक्टिव रहें, ये सब पावर से होने वाला है। चांद पावर का एकमात्र स्रोत लैंडर रोवर में लगी बैटरी है। इस बैटरी को पावर सूर्य से मिलती है और चंद्रयान 3 चांद के जिस हिस्से में है अगले 12-13 दिन तक सूर्य नहीं दिखने वाला है, इसलिए इन्हें स्लीपिंग मोड में डाल दिया गया। जैसे ही सूरज की रोशनी मिलने लगेगी इसरो इन्हें फिर से काम पर जुटा सकता है। इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए कि हमारा चंद्रयान 3 वापस से काम करने लगेगा। हालांकि यथासंभव जानकारियां आ चुकी हैं, यानी इसरो को जितनी उम्मीद थी उससे बेहद अधिक जानकारियां हमारा चंद्रयान 3 इसरो वैज्ञानिकों और पूरी मानव सभ्यता के लिए भेज चुका है। लेकिन ये सफर सिर्फ 10 दिनों में खत्म नहीं होने वाला है, ये आगे भी चलेगा और हर एक भारतीय की दुआएं काम जो कर रही हैं। इसरो ने ये जानकारी पहले भी दी थी कि बैटरी पूरी तरह चार्ज है, इसलिए कोई संकट नहीं आने वाला। लैंडर रोवर के बीच की दूरी 100 मीटर बताई गई है। इनके पैनल की दिशा इस तरह से रखी गई है कि सूरज की रोशनी आते ही ये फिर से चार्ज होने शुरू हो जाएंगे। इस तरह फिर से इसरो के पास, देश के पास कुछ नया डाटा आएगा। ये सिलसिला तब तक चलेगा जब तक लैंडर रोवर में बैटरी यानी पावर बचा रहेगा। जब ये शांत भी हो जाएंगे तब भी भारत की मौजूदगी चांद पर बनी रहेगी, क्योंकि भौतिक तौर पर लैंडर रोवर वहां मौजूद रहेंगे। चांद पर एक रात पृथ्वी के 14 दिन के बराबर है, तो अब चांद पर अगला सूर्योदय 22 सितंबर 2023 को होगा। प्रज्ञान रोवर 14 दिन बाद स्लीप मोड से बाहर आएगा और अपने अगले टास्क की ओर बढ़ेगा। हालांकि प्रज्ञान के अगले कार्यों को लेकर कई कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन प्रज्ञान का प्रमुख मिशन चांद पर हाइड्रोजन समेत अन्य महत्वपूर्ण तत्वों की खोज करना है, यानी चांद पर चंद्रयान 3 की पानी की खोज इसमें सबसे मुख्य रहेगी। इसरो ने इस बात की पुष्टि तो नहीं की है कि चंद्रयान 3 की बैटरी ही हीटर का काम करेगी, लेकिन कई वरिष्ठ वैज्ञानिकों से जब हमने इस बारे में जानकारी ली तो सभी ने चंद्रयान 3 के चांद पर वापस काम करने के लिए यही बैटरी वाला फॉर्मूला बताया। इसरो ने तो इस बात की पुष्टि भी नहीं की थी कि वो चंद्रयान 3 के लैंडर को चांद की सतह पर वापस उठाएगा और उसकी लैंडिंग की जगह बदल देगा। विज्ञान में हर एक जानकारी पहले नहीं बताई जाती है, कुछ जानकारियां सफलता मिलने के बाद ही पब्लिक की जाती है। अगर इसरो का बैटरी से हीट उत्पन्न करने वाला फॉर्मूला काम करता है तो इसरो के द्वारा बेहद अधिक संभावना है कि ये जानकारी पूरे देशवासियों को दी जाए कि किस तरह से चंद्रयान 3 को चांद की सर्दी में बचाया गया। आपको चंद्रयान 3 की हमारे द्वारा दी गई वापस उठने की ये खुशखबरी कैसी लगी, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। कमेंट बॉक्स में ऐसे ही कुछ बेहद ही बेहतरीन इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिंक दिए गए हैं, देखना ना भूलें। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। चंद्रयान 3 पर लगातार आगे भी अपडेट्स आते रहेंगे, इसीलिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ और आपको कुछ
अच्छा सिखाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।